वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो सर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए व्हाट्सएप की 11 अमेजिंग ट्रिक्स लेकर आया हूं, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। तो सर इसके जरिए आप लोग अपने जो व्हाट्सएप जो है बहुत ही आसानी से बहुत ही कूल तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सर इसके लिए मुझे लेकर जाना पड़ेगा आप लोगों को अपने मोबाइल की तरफ। उससे पहले सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम वीडियो फ्रेंड्स, मैं हूं अवैस, मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब की स्क्रीन पर टेक्निकल अवैस। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो ट्रिक है वो है ये, जो देख सकते हैं आप लोग गूगल आइकन जो देख रहे हैं इसके ऊपर आप सबसे पहले क्लिक करेंगे। इसके बाद जो ट्रांसलेट का जो आइकन आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है और इसके ऊपर हमने ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक किया। इसके बाद आप लोग यहाँ पर इंग्लिश जहाँ पर आया हुआ यहाँ पर हम लोग इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरफ हम लोग उर्दू सेलेक्ट करेंगे। देन हम लोग इंग्लिश से उर्दू अपनी जो राइटिंग है वो कन्वर्ट करके टेक्स्ट कन्वर्ट करके सेंड कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हेलो हाउ आर यू, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड मैंने हेलो हाउ आर यू इंग्लिश में यहाँ पर टाइप किया और ऊपर उर्दू में ये टाइप होकर सामने आ चुका है। तो इसको हम लोग इजीली मतलब उर्दू में हम लोग मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, आप लोग भी इसको आजमाइएगा। मैंने काफ़ी बार इसको आजमाई है, मुझे काफ़ी प्यारी लगी तो सोचा आप लोगों के साथ सेंड कर दूँ। तो दोस्तों हमारे पास जो दूसरी जो ट्रिक है वो है टेक्स्ट रिपीट के नाम से, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ये आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने इसको पहले इसको डाउनलोड कर लिया है और इसको मैं अभी ओपन करूंगा। और इसके बाद जो दोस्तों जो ये फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है रिपीटेड टेक्स्ट, यानी कि आप जितनी भी बार आपने एक वर्ड लिखा है तो अगर आपने वो वर्ड दो बार सेंड करना है तो वो इजीली आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपने वो वर्ड तीन बार सेंड करना है या 100 बार सेंड करना है इजीली आप सेंड कर सकते हैं। अभी हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रिपीटेड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद ये हमारे पास ऐड आ चुका है, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। और इसके बाद हम ये इंटर टेक्स्ट करेंगे। अब आपने जो भी टेक्स्ट जो है वो इंटर करना है वो आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लव यू, ये मैंने टाइप किया। और यहाँ पर हम लिमिटेशन दे देंगे कि ये कितनी बार टाइप होकर हमारे पास आ जाए। अब मैं चाहता हूँ कि ये 100 बार हमारे पास टाइप होकर आ जाए। इसके बाद मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करूँगा और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास टाइप होकर आ चुका है। और मैं इसको अगर यहाँ से शेयर करना चाहूँ, व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मैसेंजर पे भी कर सकता हूँ। और मैं फ़िलहाल इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद मैं जाता हूँ व्हाट्सएप पे और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये पेस्ट हो चुका है और इसको मैं यहाँ से सेंड कर सकता हूँ। आप इजीली मतलब 100 बार 100 करेक्टर का ये जो वर्ड है ये मतलब कर सकते हैं, उस 100 से भी ऊपर कर सकते हैं, 1000 का भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी ये ट्रिक है, ये आप लोग भी आजमाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो थर्ड जो ट्रिक है वो है स्टाइलिश टेक्स्ट। ये मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, आप लोग भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। और इसके अलावा मतलब दोस्तों यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे टेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे जैसे कि मैंने अभी टाइप किया लव यू। तो दोस्तों ये देखिए, ये देख सकते हैं आप अलग अलग फॉन्ट में हमारे पास लव यू जो है ये टाइप होकर आ चुका है। तो आप लोग इसको मतलब यहाँ से सेंड व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं और अदर मतलब जैसे कि हो गया फेसबुक या मैसेंजर वगैरह हो गया, यहाँ पे भी आप लोग इजीली सेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ और इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको सेंड कर देता हूँ और ये देख सकते हैं फ्रेंड ये आ चुका है फॉन्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ये लव यू जो मैंने सेलेक्ट किया था वो आ चुका है। इसको हम लोग यहाँ से सेंड कर सकते हैं। ये देखिए इसको मैंने यहाँ से सेंड किया, ये सेंड हो चुका है। तो दोस्तों मतलब काफ़ी अच्छी ये भी ट्रिक है, आप लोग भी इसको आजमाइएगा। दोस्तों हमारे पास जो चौथी जो ट्रिक है वो है ब्लैंक मैसेज, यानी कि आप अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हम व्हाट्सएप पे गए, यहाँ पर हम लोग ब्लैंक मैसेज सेंड करना चाहते हैं। ये देखिए फ्रेंड हमने ये ब्लैंक मैसेज टाइप किया और इसके बाद यहाँ पे सेंड का ऑप्शन नहीं आया। इस तरीके से ब्लैंक मैसेज अगर सेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें प्ले स्टोर से ब्लैंक मैसेज की ऐप जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये मैंने डाउनलोड कर रखी है, इसको मैं ओपन करूँगा और इसके बाद हम लोग यहाँ पर वन ब्लैंक लाइन जैसे कि होती है इसको हम यहाँ पर, अगर आप एक ब्लैंक लाइन अगर चूज़ करेंगे तो एक ब्लैंक लाइन सेंड हो जाएगी। अगर आप यानी कि 10, मैं यहाँ पर 10 रख लेता हूँ 10 ब्लैंक लाइन और इसको मैं सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग व्हाट्सएप पे जाएंगे और जस्ट वन के ऊपर हमने क्लिक किया और ये मैंने सेलेक्ट किया। देन ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पर ब्लैंक जो मैसेज है वो सेंड कर दिया है।
इस तरीके से हम लोग ब्लैंक मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। आप लोग भी इसको आजमाइएगा। और इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो पांचवी जो ट्रिक है वो है इमोजी को। ये एप्लीकेशन मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड की, आप लोग भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इमोजी को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से आप लोग हम लोग इमोजी जो है वो बिल्कुल इजीली सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आप लोग भी सेंड करना चाहें तो मतलब इस तरीके से इमोजी जो मैसेज होते हैं वो आप लोग सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे, एनिमल्स में भी मिल जाएंगे। ये देखिए ये पांडा में आ चुका है और ये डॉग्स में आ चुके हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे मैसेजेस में आ गए, मतलब इमोजी आप लोग सेंड कर सकते हैं। इसको भी आप लोग व्हाट्सएप पर सेंड कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कॉपी लिंक करेंगे और इसके बाद हम लोग जाएंगे व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप को ओपन किया और इसके बाद हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ से सेंड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड ये सेंड हो चुकी है। और इस तरीके से आप लोग ये वाली इमोजी को जो एप्लीकेशन है ये भी आप लोग इंस्टॉल करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है, आप लोग भी यूज़ करिएगा एक बार। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो छठी जो ट्रिक है वो है व्हाट्सएप ग्रुप की। ये भी एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी इसको ओपन कर लेता हूँ, मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है और अभी हमने इसको ओपन किया। तो इसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जितने भी चाहें आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग इजीली ऐड हो सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। अभी मैं यहाँ पर अभी आपको ऐड होकर दिखाता हूँ। जैसे कि हम कोई कॉमेडी या कॉमेडी ओनली फनी ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं हो सकते हैं। अभी मैं म्यूज़िकल में ऐड होना चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने क्लिक किया और व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक किया, जस्ट वन के ऊपर क्लिक किया। इसके बाद हम लोग इजीली मतलब ऐड हो सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने ये जो ज्वाइन ग्रुप का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। इस तरीके से आप लोग दोस्तों ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो छठी जो ट्रिक है वो है वीडियो स्टेटस। व्हाट्सएप का वीडियो स्टेटस अगर आप लोगों ने अपलोड करना है तो आप लोग ये एप्लीकेशन वीडियो स्टेटस के नाम से जो एप्लीकेशन है ये आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो अभी हम लोगों ने ये वीडियो स्टेटस जो है ये हम लोगों ने अब डाउनलोड कर रखा है। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपने कोई भी मतलब स्टेटस जो है वो आप लोग सेंड करना चाहते हैं उसके ऊपर आप लोग इजीली क्लिक कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने इसी स्टेटस के ऊपर क्लिक किया और इसके बाद हम लोग ये व्हाट्सअप जो आइकन आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम इस माई स्टेटस के ऊपर इसको चेक मार्क लगा के इसको सेंड कर देंगे इस तरीके से। ये देख सकते हैं फ्रेंड इसको आप ओपन भी कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको भी मैं फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ से मैं इजीली इसको सेंड कर सकता हूँ। ये देखिए फ्रेंड ये हो चुका है सेंडिंग स्टेटस फॉर अपडेट। तो इस तरीके से आप लोग अपना स्टेटस जो भी है वो कोई भी स्टेटस आप लोग इजीली अपलोड कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर। ये देख सकते हैं फ्रेंड ये इस तरीके से मतलब स्टेटस आप लोग इजीली ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो नवी जो ट्रिक है वो है मास्क चैट। ये एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। इसके ज़रिए आप लोग मतलब अभी मैं आपको व्हाट्सएप ओपन करके दिखाता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ हाय। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये आप साइड से देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, इस साइड से भी देख सकते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है। अभी आप फॉर एग्जांपल बाहर हैं कहीं मतलब ट्रैवल में कोई आपके साथ बैठा हो तो कहीं आपका मैसेज पढ़ ना ले, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन जो है वो सर्च की है जिसका नाम है मास्क चैट। वो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो अभी मैं यहाँ पर मास्क चैट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप इसको ट्रांसपेरेंट करें बिल्कुल। इसको यहाँ से इसको मैंने ट्रांसपेरेंट किया और अब आप देख सकते हैं ये साइड से मैंने जो मैसेज टाइप किया ये आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो आप इस तरीके से इसको ऑन भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर ये लगा रहेगा, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये हटेगा नहीं यहाँ से जब तक हम इसका ऑफ ना कर दें इसको। तो अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इस तरीके से आप लोग इस एप्लीकेशन को मास्क चैट जो ये एप्लीकेशन है ये आप बिल्कुल इजीली मतलब यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो दसवीं जो ट्रिक है वो है हम लोग यहाँ पर गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर GIF जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्लिक करके अपने GIF वगैरह जो भी हैं हम लोग सेंड कर सकते हैं। जैसा कि ये हो गया इस तरीके से गुड मॉर्निंग का हो गया, आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ से सेंड कर दिया, ये इजीली सेंड हो चुका है। इस तरीके से आप लोग GIF वगैरह जितने भी आप लोग इजीली सेंड कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास जो 11वीं जो ट्रिक है वो है लास्टिंग, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं कल शाम को मैं ऑनलाइन हुआ था 9 बजे, तो अभी तब से लेकर अगर अब तक मैं ऑनलाइन नहीं हूँ तो वो जो मेरे पास लास्टिंग जो आ रहा होगा
वो आ रहा होगा कल 9 बजे तक का। तो इसको मैं ऑफ करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं मेन्यू बार के ऊपर क्लिक करूँगा, इसके बाद सेटिंग में जाऊँगा और इसके बाद अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद प्राइवेसी पे क्लिक करके लास्ट सीन जो आ रहा है, ये जो फर्स्ट पे आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये एवरीवन हुआ हुआ है। देखिए फ्रेंड, अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नोबडी मतलब कॉन्टैक्ट्स के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते तो आप नोबडी के ऊपर क्लिक करते हैं। इस तरीके से आपके पास मतलब आपका जो लास्ट सीन जो हो जाएगा वो ऑफ हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना कभी मत भूलना, और इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता रहता हूँ। इसी अपने पन के साथ के अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।